मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं एक पुराने पैटर्न को आगे बढ़ाऊँगा। इस दरमियान कोई इतने एग्ज़ाम भी ज़्यादा नहीं हुए, इस कारण से उसको करने का मौका नहीं मिला और जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता चुका था। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे मिले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो हमारी एक सीरीज चलती थी इससे पहले करंट क्वेश्चन के नाम से, जिसके तहत करंट क्वेश्चन फर्स्ट और करंट क्वेश्चन सेकंड, ये दो सीरीज़ मैं आपको अवेलेबल करा चुका हूँ। इन सीरीज़ के तहत हम ये चर्चाएं करते थे कि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्तमान में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या सिस्टम है उसका, और ऐसे क्वेश्चन जो हमसे छूट गए हो उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला के तहत आज हम करंट क्वेश्चन का 3 पार्ट करेंगे, या आगे भी जैसे अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के जो पार्ट्स चलते हैं उसी तरीके से करंट क्वेश्चन 3 का पार्ट लेकर चलेंगे। तो इसमें जो भी मैं 10-11 पॉइंट्स लेकर आया हूं, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं, क्लियर आ चुके हैं, और इनमें से कई चीजें मैं आपको करवा भी चुका हूं। तो हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट, विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2018, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन यहां मेरा उद्देश्य आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताना है जो आया हुआ है। ये जो हुई थी, स्थान भुवनेश्वर ओडिशा में ये टूर्नामेंट हुआ था। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर उसमें ऑप्शन था, क्लियर। यहां मैं थोड़ा वैल्यू एडेड के तौर पर आपको बता दूं कि इसमें विजेता कौन सा रहा, अब आप जानते हो इसी टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें विजेता और उपविजेता, विनर एंड रनर अप, इसकी बात करूंगा। देखिए इसमें विजेता जो रहा यह था बेल्जियम, और उपविजेता जो रहा वो नीदरलैंड रहा, ये इसकी खास बातें रही। तो नई बातें और पुराने जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आया, विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया, मीटू, आप जानते हो इसके बारे में तो मैं पूरा एक वीडियो अवेलेबल करा चुका हूँ। शुरू में जो मेरा पहला वीडियो था वो ये मीटू पर ही था। तो मीटू पर क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। ये क्वेश्चन ऐसे बना कि मीटू अभियान किससे संबंधित था, तो महिला उत्पीड़न को उजागर करने से संबंधित था, ये महिला उत्पीड़न को उजागर करने से ये संबंधित था, ये आ चुका है क्वेश्चन मीटू अभियान। नेक्स्ट ये पॉइंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी नजरों से कैसे बच गया, कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है, ये आ चुका है। तीसरा लिखिए, व्हाट्सएप व फेसबुक पर टैक्स लगाने वाला देश, ये जो देश है युगांडा है, अफ्रीकन कंट्री है ये, और जून 2018 में इसने टैक्स लगाया था। ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट्सएप और फेसबुक पर टैक्स लगाने वाला देश युगांडा है, अफ्रीकन कंट्री है ये, क्लियर। एक क्वेश्चन आया, चिकित्सा पर्यटन का लोकप्रिय स्थान,
चिकित्सा पर्यटन का जो लोकप्रिय स्थान है ये इंडिया को बताया गया है, चिकित्सा पर्यटन का लोकप्रिय स्थान इंडिया को। तो ये चार पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इनको राइट डाउन कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा लिखिए, एक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन हुआ। हालांकि ये निधन तो अक्टूबर 2018 में हो गया था, जीडी अग्रवाल का निधन हुआ। क्वेश्चन कैसे बना कि अभी हाल ही में जीडी अग्रवाल का निधन हुआ, इनका निधन किस दौरान हुआ था, किस कारण से हुआ था? तो ये गंगा निर्मलीकरण, गंगा को स्वस्थ करने से संबंधित एक अभियान के तहत ये अनशन चला रहे थे, तब इनके मृत्यु हुई थी। तो लिख दीजिए, गंगा निर्मलीकरण के कारण, गंगा निर्मलीकरण के कारण अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ चुका है, तो रिपीट हो सकता है। ये एक छठा पॉइंट है, विश्व पर्यटन दिवस। एक बार आप लिखिए फिर बात करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस अगले महीने मनाया जाएगा 27 सितंबर को। यहां पर एक चीज और, जैसे ये स्टार्ट कब हुआ, इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो 27 सितंबर 1980 को ये चालू हुआ था। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि 27 सितंबर 2019 की मेज़बानी कौन करेगा, तो उसकी मेज़बानी करेगा स्पेन। स्पेन, यही क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ष 2019 में विश्व पर्यटन दिवस की मेज़बानी, जो सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, स्पेन कर रहा है। अभी अगले महीने ही मनाया जाएगा, जब ये मनाया जाएगा तब इसकी हम और चर्चा कर लेंगे। क्लियर। एक पुस्तक है ट्वाइलाइट्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के लेखक, LAURENCE, लॉरेंस जेम्स, ये अमेरिका के हैं। ट्वाइलाइट्स चिल्ड्रंस के लेखक लॉरेंस जेम्स है। क्वेश्चन ये नहीं बना, क्वेश्चन राइटर नहीं पूछा और किताब भी काफी पुरानी है, लेकिन किताबों के एक सिस्टम को मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो किताबें होती है या तो ये वो पूछी जाती है जो वर्तमान में बहुत चर्चा में होती है, या फिर ये पुरानी जो साहित्य वगैरह होते हैं वहाँ से पूछता है। अभी बीच में इसने ये किताब का नाम ले लिया, खैर चर्चा करते हैं। इस पर जो क्वेश्चन था ये था कि ट्वाइलाइट्स चिल्ड्रंस नामक जो पुस्तक है ये किस रोग पर आधारित है, तो ध्यान रखें ये डाउन सिंड्रोम नामक रोग पर आधारित है। डाउन सिंड्रोम नामक रोग पर आधारित है, ये बच्चों में होता है। ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। डाउन सिंड्रोम जो होता है आप जानते हो, इक्कीसवीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक की बढ़ोतरी,
एक की बढ़ोतरी हो जाती है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में। अब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जब बढ़ोतरी हो जाती है तो आप जानते हो कि गुणसूत्र जो होते हैं 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती है और 22 जोड़ी एलिंग गुणसूत्र होती है। तो एक तो ये एलिंग गुणसूत्र से संबंधित रोग है, इसको आप ऑटोसोम्स कह सकते हो। दूसरा, यदि जैसे हम कहें 46, 23 जोड़ी है तो 46 गुणसूत्र हो गए, तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? इसमें टोटल गुणसूत्र हो गए 47। और इसमें जो लक्षण प्रकट होंगे ये मंगोलिज्म के लक्षण पैदा होंगे। कई बार इसको मंगोलिज्म शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मंगोलिज्म क्या है? ये एक प्रकार से लक्षण का एक रूप है, जैसे चौड़ा माथा और यहाँ से जैसे माथे का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, आंखें बड़ी होना, बाहर निकली हुई दिखाई देना, मुंह खुला रहना, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है इसमें, ये इसके लक्षण होते हैं। तो हमने ट्वाइलाइट चिल्ड्रंस के लेखक के साथ साथ डाउन सिंड्रोम को जानने का प्रयास किया, लेकिन क्वेश्चन इस पे ये बना हुआ है कि ट्वाइलाइट चिल्ड्रंस नामक पुस्तक किस रोग पर आधारित है, तो डाउन सिंड्रोम पर आधारित है। अपने जब साइंस का चैप्टर करते हैं तब उसमें मैं ये करवाता भी हूँ। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक महिला के बारे में, अवनी चतुर्वेदी। इस पर भी क्वेश्चन आ गया, आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे बता चुका हूँ इसके बारे में। ये है पहली पहली महिला लड़ाकू पायलट विमान। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, लड़ाकू विमान पायलट है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है ये अवनी चतुर्वेदी। और इन्होंने जो ये लड़ाकू विमान उड़ाया था ये फरवरी 2018 में। इस क्वेश्चन को यूपी के एक एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब मैं बात करूंगा कैलाश सोधानी समिति, कैलाश सोधानी समिति। अब देखो जितनी भी ये समितियां होती है, समितियों पे हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि इस समिति का संबंध किससे है, ये किससे संबंधित है, ये क्यों गठित की गई, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ये कहा गया है कि खेल को एक शिक्षण विषय के रूप में शामिल किया जाए, खेल दर्शन को एक शिक्षण में शामिल किया जाए, एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। तो लिख दीजिए खेल दर्शन को शिक्षण विषय के रूप में शामिल करने से संबंधित है ये। इसने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दी थी। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ है, भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ है। ये एक मंत्रालय है, केंद्रीय सामाजिक व न्याय मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट के आधार पर है। आप ऐसे लिखिए भारत में सर्वाधिक भिखारी, सबसे ज़्यादा जो भिखारी है ये पश्चिमी बंगाल में है, सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में। ये पिछले साल भारत का जो केंद्रीय सामाजिक और ये मंत्रालय है उसने ये रिपोर्ट जारी की थी। एक लाइन लिख लो चाहे, केंद्रीय सामाजिक व न्याय मंत्रालय
आपकी रिपोर्ट के आधार पर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाइट रिबन अलायंस, क्वेश्चन क्या आया हुआ है ये तो मैं अभी बात करूंगा आपसे, लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वाइट रिबन अलायंस क्या है। देखिए, वाइट रिबन अलायंस जो है ये अलग अलग देशों का अलग अलग है। अमेरिका का अलग है, फ्रांस का अलग है, रशिया का अलग है, चाइना का अलग है, इंडिया का अलग है। और ये किससे संबंधित है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने से संबंधित है। मैटरनल बोलते हैं इसको, सेफली मैटरनल, सुरक्षित मातृत्व को मैटरनल बोलते हैं, को बढ़ावा देने से संबंधित है। सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब देखिए, ये सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत ने इसको लॉन्च कब किया गया, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग है, तो भारत द्वारा लॉन्च ये किया गया था 1999 में। अब इसने क्या है, एक अभियान चलाया है, और उस अभियान के तहत क्या है, मातृत्व को बढ़ावा देना, सुरक्षित मातृत्व को। मातृत्व मतलब जो गर्भवती महिला होती है उसके बच्चे की सुरक्षा और मां की सुरक्षा, मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा मातृत्व में आती है। तो इसने जो अभियान चलाया ये है हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज। हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज। अब क्वेश्चन कैसे बना, अब यहां पर मैं आता हूं। निम्न में से किसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज नामक अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन में था WHO, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, और तीसरा ऑप्शन इसमें था व्हाइट रिबन अलायंस कोमा भारत। क्लियर, व्हाइट रिबन अलायंस कोमा भारत, ये ऑप्शन था। तो समझ में आई बात सारी कि व्हाइट रिबन अलायंस क्या होता है? मेरी नज़र में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पर ये भी बन सकता है कि व्हाइट रिबन अलायंस का संबंध किससे है, सुरक्षित मात्र को बढ़ावा देने से संबंधित। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने करंट क्वेश्चन के पार्ट 3 पर चर्चा की। ये आगे भी हम लेते रहेंगे, अच्छे तरीके से इसको आगे चलाते रहेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट क्वेश्चन फर्स्ट और करंट क्वेश्चन सेकंड को इसके साथ लेकर चलें। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको जो होगा वो ये होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो करंट क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। करंट फर्स्ट और करंट सेकेंड, इसमें भी मैंने यही बताने का प्रयास किया है। और करंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हम हर सैटरडे को करंट जीके का मैसनगर ब्रांच और टोंक रोड ब्रांच दोनों में टेस्ट लेते हैं। 100-100 नंबरों का क्वेश्चन होता है, पर मंथ चल रहा है। अभी जो हुआ है इस सैटरडे को अप्रैल का हुआ है, आगामी सैटरडे को होगा
वो मई 2019 के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई है उनका टेस्ट होगा। तो ये मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं कि अगले सैटरडे को मई 2019 के मंथ में जो घटनाएं घटित हुई थी उनका टेस्ट होगा। आप इसको रेगुलर रखें, इसमें बिल्कुल कोताही ना बरतें, टेस्ट को मिस ना करें। और जो करंट के क्वेश्चन जैसे ही बने हुए हैं, जैसे ये अभी 2018 के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको अपने आगे भी एक्सप्लेन करते हुए लेके चलेंगे ताकि किसी भी तरीके की कमी ना रहे। क्लियर। और कल जो अरुण जेटली का मैंने आपको सीरीज दी थी उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार ये टेक्निकल मिस्टेक हो जाती हैं, इसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो साथ में सहयोग बनाए रखें ताकि हम आगे से आगे और भी नए वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और आगे से आगे इसको बताएं ताकि अन्य लोग भी अपने लक्ष्य प्राप्ति में कुछ सहयोग महसूस कर सकें। उनके लक्ष्य प्राप्ति में हमारा यदि थोड़ा सा भी योगदान हो जाता है तो हमारे जीवन की एक उपलब्धि पूरी हो जाती है। नमस्कार।